कल 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 प्रभु जी ने एक श्लोक दिया था उस श्लोक को, बच्चों कल प्रभु जी ने एक श्लोक दिया था तुम लोगों को याद करने के लिए। किसने किसने श्लोक याद किया, हाथ उठा तो बोलो चली गई। और जो दरबार था ना, बोले देखो मैंने देखा कुछ डुप्लीकेट, वो तो वही रुपया कुछ ब्रह्मा घूमते हुए, अगर कोई आए ना घुसने मदन, कृष्ण स्वयं चतुर्मुख धारण करते हुए अंदर में चले गए। असली ब्रह्मा आए, जब असली ब्रह्मा आए उसका जो चौकीदार थे ना, डंडे लेकर उसको मारने के लिए भागी। बोले तू कहाँ से आ गए, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। प्रभु सही बता रहे थे, जो बहु रुपया को घूमते हुए देखा, डंडे लेकर के ब्रह्मा को जो भगाने के लिए चले। ब्रह्मा बोले भैया ब्रह्मा बन के कौन बैठ गया, मेरे आसन को कौन दखल कर लिया, ध्यान लगा करके देखा ना,
भगवान स्वयं ही इनके आसन को दखल कर लिया। अरे ब्रह्मा ऊपर से नीचे आए, नीचे आते आते एक साल हो गया, फिर देखा प्रभु पहले जैसे लीला करे अभी भी लीला करे, फिर चकरा गई। फिर उन्होंने दोनों तरफ में जब देखे तब भगवान दिखाया, देखो मैं कौन हूँ, जितने बछड़े ग्वाल बाल सब के सब चतुर्भुजों में नारायण 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 देखा। ब्रह्मा सोचा मैं तो एक नारायण से मेरा जन्म हुआ, ये तो अनंत करोड़ नारायण है। फिर ब्रह्मा समझ गए ये कौन है, ये मेरे बाप का बाप का बाप का भी ये बाप है, ये कृष्णा है। तो देखने में तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बनकर बैठे हुए वो छोटे नहीं बड़े खोटे हैं, वो दिखता है यही से। तब पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते तुम्हारे तो एक सर है, तुम जगत का जीव। बोले मैं कौन हूँ, कहते जगत को सृष्टि करने वाले। कहते मेरे कितने सर, बोले चार सर मेरा जो दुनिया को सृष्टि करता है। ब्रह्मा कहते मैं ब्रह्मा कह रहा हूँ, बोले क्या कह रहा हूँ, बोले जानंतु एव जानंतु। अगर कोई कहता है अरे हम उसको जानते हैं, वो जो गैया को पीछे पीछे डोलता था ना, गोपियों को कपड़ा चुराता था, रास रचाता था, ब्रह्मा कहते हैं ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन कृष्ण का महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। ये ब्रह्मा स्वयं ये बात को, ब्रह्मा स्वयं ये बात को कह रहे हैं। इसलिए उनको समझना कोई साधारण बात नहीं, भगवान को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ पर ये उपनिषद में कहते हैं, फिर उनको कौन समझ सकता है, उनको कौन जान सकता है, बोले सही जाने जाने देव जाने। अगर भगवान अगर कृपा करके अपनी आप को किसको जनवाते हैं, उनको केवल वही जान सकता है, सब नहीं जान सकते हैं। अभी भगवान उनको जनाएंगे कैसे, तब ये उपनिषद की बात कहते हैं, बोले तद विज्ञानार्थम, मतलब अगर तुमको वो ब्रह्म विद्या अगर तुमको जानना, तो मतलब भगवत भक्ति विद्या अगर तुम जानना चाहते हो क्या करो, बोले गुरु में वा भी कच्छे, तुम किसी सदगुरु को पास में जाया करो। तब यहाँ पर बता दिया गुरु को पास में जाओ, लेकिन आप लोग एक बात सुने होंगे, गुरु कर जान के और पानी पियो के। गुरु कर जान के पानी पियो छान के, ये एक बात बताया। हाँ गुरु करनी चाहिए, इसलिए हम गए जिसको तिसको गुरु बना दिए, हम तो चाहते ऐसे गुरु हो, प्याज लहसुन भी खाए, चाय भी पिए और बीड़ी भी फूंके, मांस मछली भी खाए और हमें गुरु मिल जाए, हमारा काम कर जाए, नहीं ऐसे नहीं होता। इसलिए जो सदगुरु होते हैं, जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओगे, अगर डॉक्टर सचमुच से तुम्हारी बीमारी को सही करना चाहता है, पहले परहेज बताएगा, बोले बेटा दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे तो दवा काम करेगा, बगैर परहेज को साथ में अगर दवा लोगे जिंदगी भर दवा खाओगे लेकिन तुम्हारे कोई काम होने वाला नहीं, वो बीमारी सही नहीं होगी हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया गुरु का तो कुछ लक्षण होने चाहिए ना, इसलिए कहते गुरु कर जान के पानी पियो छान के। तब ये उपनिषद कहता है भैया गुरु का कुछ तो लक्षण भी होनी चाहिए, बोले क्या लक्षण होनी चाहिए, बोले समित पाणी स्वत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते गुरु जी को पास में कैसे जाओ, बोले श्रद्धा को लेकर के जाओ, उपहार भक्ति भाव को साथ में गुरु जी को साथ में जाओ, श्रद्धा विश्वास को साथ में गुरु जी को साथ में जाओ। बोले गुरु जी की क्या लक्षण, बोले दो लक्षण होनी चाहिए गुरु जी की, बोले पहला लक्षण क्या, बोले सारे शास्त्र को जानने वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई गुरु जी को कोई प्रश्न कर दिया लेकिन गुरु जी अगर हम सही सही उत्तर नहीं दे पाए फिर क्या होगा, हमारी गुरु जी के ऊपर शंका हो जाएगी। इसलिए क्या होनी चाहिए, सारे शास्त्रों को जाननी चाहिए गुरु जी को। कभी ये क्या सब सब कुछ बोले नहीं, ये बाहर का लक्षण है, उनका दो लक्षण होनी चाहिए, कितना लक्षण होनी चाहिए, हाँ कहते एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। बोले तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं उनका जो बाहर का जो लक्षण है, बोले जो अंतर लक्षण स्वरूप लक्षण क्या होनी चाहिए, उसका जो वास्तव की जो लक्षण है अंदर का जो लक्षण, बोले क्या उनको होनी चाहिए, भजन परायण होनी चाहिए। ऐसे नहीं दूसरों को केवल उपदेश देने के लिए ही बोलते हैं लेकिन अपना जीवन में ठन ठन मदद होगा, स्वयं भजन भजन से कोई मतलब नहीं, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए बोलते हैं लेकिन अपना जीवन में वो उतारते नहीं। इसलिए पहला लक्षण होनी चाहिए सचमुच से भजनानंदी होनी चाहिए,
भजन परायण होनी चाहिए। सचमुच से जो 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवान की कथा लीला उनकी चिंतन में जो लगे हुए है, जिनका जीवन प्रभु की भक्ति के सिवाय और जीवन कुछ उनको नहीं होनी चाहिए, जिनका जीवन ही प्रभु का प्रेम है। हाँ, इसलिए कहते समित पाणी स्वत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। स्वत्रियम मतलब होता है समस्त शास्त्र का तात्पर्य ज्ञान होनी चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठम मतलब होता है भगवत निष्ठ होनी चाहिए, भजन परायण होनी चाहिए, भगवत अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। ऐसे गुरु जी को पास में हमें जाननी चाहिए। इसलिए ये गुरु तत्व हमारे जो गौड़ीय जो ग्रंथ जो श्लोक याद किया है ना, कहते इसका नाम रखा गौड़ीय कंठार। गौड़ीय कंठार मतलब क्या, कहते जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव मतलब महाप्रभु धारा में हवा है और राधा रानी गौरी है, उनकी भक्ति जो करने वाले हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। कहते इसको ग्रंथ का नाम रखा गौड़ीय कंठार। अगर सचमुच से कोई गौड़ीय बनना चाहता है मतलब महाप्रभु की भक्ति धारा में आना चाहते हैं, कहते ये ग्रंथ को कंठ का हार बना दो। जैसे आप लोग गले में हार पहनते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हार, हार कहते हैं ना, जैसे गले में हार पहनते हो उसी तरह ये ग्रंथों को भी अपना जीवन का हार बना दो। हैं, ये जीवन को हार बना दो ग्रंथों को। अगर ये उसमें गुरु तत्व को ऊपर में वेद पुराण भागवत उपनिषद कहाँ कहाँ श्लोक है, ये ग्रंथ में सारे श्लोकों को उद्धृत करते हुए दिया है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, बच्चों को जिन बच्चों ने पहला श्लोक आवेदन सीखा है, ये पहला श्लोक सीखो। फिर कथा के बाद में हमारे श्यामानंद प्रभु कथा के बाद में वो प्रभु के पास में जाना और उनसे दूसरा जो श्लोक है, हैं, जो दूसरा श्लोक है उस श्लोक को भी लेकर के जाना और कापी में लिख करके जाना, ठीक है। और जो आप लोग अंदर में जो चाहते हो हम भी एक एक श्लोक याद करें, श्लोक को याद करें, और आप जाते समय एक एक आपको भी कॉपी देंगे और पेंसिल देंगे, एक एक कॉपी ले जाना और पेंसिल ले जाना, उसका भी लिखना। आप लोग होपलेस नहीं होनी चाहिए, अरे हमारी इतना उम्र हो गया हम आवाज थोड़ी हमारे हमसे थोड़ी कुछ होगा, नहीं, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिसको प्रभुपाद इसको में कहते हैं, आपको तो पता है कितने उम्र है, उन्होंने अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए 70 साल में, 70 साल में उन्होंने अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, और उन्होंने ऐसे हरी भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, सारा दुनिया में डंका बजा दिया उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में। अगर हमारी सनातन धर्म को किसने प्रचार किया, ये महापुरुष ने प्रचार किया। और तीन जब जहाज में जा रहे थे उनको 3 बार रास्ता में हार्ट अटैक हुआ ऐसे, और पास में कोई पैसा नहीं, अमेरिका में एक पार्क को नीचे बैठी गए हैं, वहाँ पर एक बट वृक्ष के नीचे बैठी गई और केवल 2 मजीरा उनके पास में, ये जो मजीरा है ना केवल 2 मजीरा था बात, उसको नीचे बैठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और पार्क में जितने हिप्पी बैठे हुए थे वो शराब पी रहे थे, शराब पी रहे थे, सिगरेटें फूंक रहे थे, और जब उन्होंने भगवान के, देखो ये ठाकुर का नाम में कितने शक्ति है, ये चीज़ को समझो, भगवान के नाम में कितने शक्ति, जब उन्होंने केवल ये हरे कृष्ण नाम जप करना शुरू किया। अब जानते हो जो शराब पीते हैं ना, थोड़ी सी अगर बाजा बजे तक झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, और जितने शराबी फराबी थे आ करके बस वहाँ पर नाचना शुरू कर दिया, हाँ डोलना शुरू कर दिया। हमने बोले भैया तो नया सिस्टम है, ये तो पहले नाचते थे, लेकिन जगत का जो नशा है ना, रात को शराब पियो सवेरे नशा उतर जाएगी, लेकिन ये भक्ति की नशा कभी उतरते नहीं। इसलिए कहते हैं कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, हैं, कभी जितने सारे पागल सब झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बाप के बिहारी के। ये नशा पियो ना, ये नशा कभी उतरती नहीं, नशा चढ़ती रहती है। केवल उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया और जप करते करते जब उनको कानों में प्रभु का नाम गया, जो ड्रग्स लेते थे नशा करते थे, हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति में जब आए सारे अपने आप छूट गया, सब के सब छूट गया, और सब के सब छोटी
तिलक कंठी लगा करके आप वृंदावन में जाओ, धोती पहन करके बस भगवान के नाम भक्ति में। अभी हम मैं था ना वृंदावन में कुछ दिन था, मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाया करता था वहाँ रोज, करके 100 भक्त होंगे अंग्रेजी अलग अलग देश से, सबके सब वृंदावन करताल माताएं, हाँ जितने माताएं तिलक लगा कर गला में कंठी, सब अंग्रेजी लोग हाथ उठा करके रोज वृंदावन की परिक्रमा मृदंग बजाते बजाते रोज परिक्रमा करते थे वृंदावन धाम हैं। इसलिए ये नशा कभी उतरती नहीं, ये नशा हर समय चढ़ती रहती, ये नशा कभी नहीं उतरती। हम चाहते हैं आपको भी ये नशा लगे हैं, ये नशा आपको भी लगे, मेरा आपको नशा लगे तो सारा दुनिया में हैं उसका नाम हो गया। हनुमान जी को ये नशा लगे तो सारा दुनिया में क्या हो गया, नाम हो गया। तुलसीदास जी को नशा लगे तो सारा दुनिया में हम कर सब, अभी का बच्चे क्या चाहते हैं, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, सबका यही चाह, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने हैं। भैया 10-20 साल पहले अगर कोई हीरो हीरोइन थे हैं, अभी कोई सुशांत ना कोई था जिसको मार दिया, कौन था, बन गया था हाँ, और श्रीदेवी थी चली गई। इसलिए इनका नाम ना थोड़ी दिन के लिए इनका नाम जगत में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद में सब खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर तुमको हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बनकर दिखा दो, मीराबाई जैसे हीरोइन बना करके दिखा दो, तुलसीदास जैसे हीरो बना करके दिखा दो, ध्रुव प्रभात जैसे हीरो बना करके दिखा दो, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम अमर बन जाओगे, तब तक तुम अमर बन जाओगे, ये हीरो बनकर दिखाओ हैं। जैसे अभी जोगी जोगी मोदी जोगी मोदी मोदी, अगली इलेक्शन में नहीं आएंगे तो उन्हें कोई पूछेगा, राहुल को भी पूछ रहे हैं अब नहीं, जगत का बड़े से बड़े पोस्ट भी 2 दिन बाद में सब उतर जाती हैं। लेकिन भक्ति की एक बार अगर भक्ति में नाम लगा दो ना, बस ये कभी अमर बन जाओगे। अगर सचमुच से अमर बनना चाहते हो, हीरोइन बनना चाहते हो, गोपियाँ जैसे मीरा जैसे बनो, ठीक है ना। बोले से वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए आप लोग जो श्लोक सीख सकते हो उस, इसलिए तुम लोगों को मैं कोशिश करता हूँ उत्साह देने के लिए, भक्ति करो, अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की कथा सुनाओ, भगवान के नाम सुनाओ, सबके सब महापुरुष का यही भावना किया, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व कृष्ण प्रेम में झूम उठेगा, महापुरुष यही चाहे, गली गली शहर शहर में भगवान का नाम दुनिया में गूंज उठे, यही महापुरुष का भविष्यवाणी। इसलिए इसमें जो मदद करेगा, देखो गीता में कृष्ण कहते हैं कि जगत में सबसे ज्यादा प्यारा मेरा कौन है, कृष्ण कहते हैं जगत में सबसे ज्यादा प्रेम मैं किसको करता हूँ, गीता गीता के श्लोक है, कृष्ण कहते मेरे कथा को जो प्रचार करते हैं, मेरे वाणी को जो प्रचार करते हैं उससे मेरा प्रिय दुनिया में कोई नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं स्वयं। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे, जितने उसको पुण्य मिलेगी, अगर एक व्यक्ति को अगर आप प्रभु की कथा सुना करके एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजन में लगा दो, कहते हैं बोले करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कॉलेज खोलने से जो पुण्य मिलेगी उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर तो भगवान की भक्ति में अगर लगा दो। ये प्रभु बात कह रही है, बात क्योंकि जगत का जितने एक कपड़ा दे दो, 2 दिन बाद फट जाएगी, खाना खिला दो 3-4 घंटा भूख फिर भूख लगेगी, दवा दे दो फिर कोई कोरोना आ जाएगी, कोरोना भी जा रही, ये जगत का जितने पुण्य है ना 2 दिन बाद में खत्म हो जाने वाले। लेकिन अगर किसी को भक्ति में लगा दिया, भजन में लगा दिया, तो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले हे अर्जुन जब तक मेरे कोई भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तब तक जीव मेरे पास में नहीं आ सकता है। लेकिन एक बार अगर मेरे पास में कोई आ जाएंगे तो फिर जगत का दुख और कष्ट जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए कोई समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दया है जो भगवान की कथा प्रचार करके दूसरों को भजन में लगाते हैं, ये सबसे बड़ा दया, ठीक है ना। इसलिए ये कोशिश हम कर रहे हैं आपको उत्साहित करने के लिए। आप लोग जो थोड़ी लिखे पड़े ना, एक एक कॉपी ले जाना यहाँ से, और कॉपी में एक एक श्लोक लिखना और कोशिश करना मेरे को सुनाने के लिए। और अगर एक दिन में भी तुम्हारे जैसे थोड़ा जो बड़े बड़े हो गए बच्चे लोग, तो अभी एकदम ये दिन में 2-2, 3-3 श्लोक याद कर सकते, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको उम्र हो गया थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा उम्र हो गई, 2-3 दिन में भी अगर श्लोक याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मों की शरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित करता हूँ। तत्पुरांत श्रीमद् परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी हरि कथा विवासुओं को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज जो मैं कथा सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से, उसका टॉपिक है भक्त श्रीधर से प्रेम कला। ये भी हमारे चैतन्य चरितामृत पीयूष में से ही एक जो है टॉपिक है, और उसी में से ही मैं जो है ये कथा सुनाने की कोशिश करूँगा। सो एक समय की बात है जब नवदीप धाम में एक भक्त रहते थे और उन भक्त का नाम था श्रीधर। वो आर्थिक स्थिति तो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मजबूत नहीं थी, वो काफ़ी जो है गरीब अवस्था से गुजर रहे थे, और लेकिन उनकी जो सेवा वृत्ति थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो जो है आजीविका चलाने के लिए एक बाज़ार के अंदर छोटी सी दुकान चलाते थे जिसमें सब्जियों को बेच करके वो अपने जीवन में पैसा कमाते, दैनिक जीवन को पूरा करते। इसी तरीके से रोजाना जाते, सब्जी बेच करके आते, जो पैसा कमाते उसी से ही अपने जीवन को वो चला रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, श्रीमन गौर हरि गौर सुंदर श्रीधर जी के पास जाते हैं और वो अक्सर प्रतिदिन उनके पास जाया करते थे। इसीलिए श्रीमन गौर सुंदर किसी बहाने से उनके पास रोजाना जा करके और उनकी दुकान पर जाया करते थे जैसे, और उनसे नाना प्रकार की जो है हंसी मजाक किया करते थे। ये तो भगवान का स्वभाव ही है, क्योंकि वो तो अपने भक्तों को पहचानते हैं, तो उनसे जो है वो जा करके रोज हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर की दुकान पर श्रीधर जी की दुकान पर गए तो श्रीधर ने उनको आकर के आया हुआ देखा कि ये तो आ गए हैं, और उनको आते हुए सम्मान किया, कहा कि आप ये आसन लीजिए और यहाँ पर जो है बैठ जाइए। तो इसमें बताया फिर कि श्रीधर जैसे तैसे करके जो है एक छोटी सी दुकान को चला करके अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन उनकी जो है भगवत भक्तों को देख करके उनकी सेवा करने की जो प्रीति थी वो बहुत दृढ़ थी। वो काफ़ी जो है लोगों की सेवा करने में रुचि रखते थे, भगवत भक्तों की सेवा करने में उनका बहुत ही ज़्यादा मन हुआ करता था। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने लेकिन भगवान तो क्या है, भगवान तो जो है अपने निष्किंचन भक्तों के साथ जो है हास परिहास करने में बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक दिन जो है श्रीधर के यहाँ पर चले जाते हैं, उसकी दुकान पर जाते हैं और जाकर के कहते हैं, अरे श्रीधर, मैं रोज़ देखता हूँ तू तो बहुत ज़्यादा जो है हरिनाम में रत है, तू सारा दिन जो है हरिनाम लेता रहता है, फिर भी तेरे पास तू इतना दुखी है, इतने कष्ट में है, ऐसा क्यों है, ऐसी दशा क्यों है तेरी, तू तो सारा दिन जो है हरिनाम जो है रटता रहता है, सारा दिन भगवान को स्मरण करता है, उसके बावजूद भी तू इतने दुख में है, इतने कष्टों को तुझे झेलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, इतना जो है एक प्रश्न जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीधर भक्त से जो है करते हैं। और यह तो बहुत ही जो है आश्चर्य की बात है, कहते हैं। फिर उसके बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इतनी सेवा करने के बावजूद भी जब तू इतना परेशान है तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, मैंने तो तुझे देखा है, ना तो तेरे पास कुछ खाने के लिए जो है अन्न है, पर्याप्त अन्न नहीं है, थोड़ा बहुत है जो भी उसने कमाया उससे खा लिया, ना ही तेरे पास जो है पर्याप्त वस्त्र है पहनने के लिए, और फिर भी जो है तो सारा दिन हरिनाम में रटन लगाए रखता है, अतः तू जो मुझे बता ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं तू दूसरे किसी और का आश्रय जो है ग्रहण कर लेता। तो श्रीधर जो भक्त थे वो कहते हैं, हे पंडित, मतलब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को पंडित कहकर के संबोधित करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं वो, तो पंडित तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगे क्योंकि ब्राह्मण घर से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं, हे पंडित, यह तो सत्य है कि मेरे पास अन्न और वस्त्र का बहुत ज़्यादा अभाव है, लेकिन तुम मुझे एक बात ये भी तो बताओ, क्या तुमने मुझे कभी भूखा रहते हुए या भूखा सोते हुए देखा है, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता जो मुझे होती है उसकी ज़रूरत जो है मुझे उसकी पूर्ति हो ही जाती है, तो वो भी तो कोई ना कोई करता ही होगा। तो श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, श्रीधर, ठीक है जो भी तू कह रहा है वो ठीक है, लेकिन ये देखो तुम्हारे कपड़ों में 10-10 टांके लगे हुए हैं, कितने फटे हुए कपड़े तुम पहन रहे हो कि तुमने उनको 10 बार सिला है तब जाकर के तुम्हारा जो है शरीर थोड़ा बहुत उससे ढक पा रहा है।
और जिस घर में तुम रह रहे हो, इस घर की छत देखी है तुमने कभी? ये मिट्टी से घास फूस से बनी हुई छत भी टूटी फूटी हुई है। जब वर्षा का समय आता है, वर्षा ऋतु में इतनी बारिश होती है कि सारा का सारा पानी जो है तुम्हारे घर के भीतर ही चला आता है। तो इतनी बात समझा करके फिर चैतन्य महाप्रभु उनको जो है भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो देखिए कैसे परम भक्त हैं, वो बिल्कुल अनन्य भक्त थे। तो उसमें दर्शाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करता तू आजकल कि लोग जो है चंडी का, विषहरी का या फिर अन्य देवी देवताओं की जो है पूजा अर्चना करते हैं, और देख जो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना, उनके पास महल है, दुमहले हैं, और वो लोग, उनके पास किसी भी तरह के अन्न की कोई कमी नहीं है, वस्त्र की कोई भंडार की कमी नहीं है, सब लोग बिल्कुल आनंद पूर्वक अपने महलों में जो है विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, अच्छे से सुख भोग कर रहे हैं। तो तू भी ऐसा करना, दूसरे अन्य देवी देवताओं के पास जा और उनकी उपासना शुरू कर दे। क्यों सारा दिन जो है हरिनाम की जो है रटन लगाए रखता है? और वह तो जो है बड़े आनंद में फिर तू भी वहाँ पर रहना शुरू कर देगा। लेकिन श्रीधर का जो है अनन्य प्रेम था श्री ठाकुर जी के अंदर, श्री लक्ष्मीकांत जी के अंदर उनका अनन्य भाव था, अनन्य प्रेम था। तो श्रीधर भक्त क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी बातें ठीक हैं, परंतु सबका समय एक समान नहीं होता। देखो जैसे कि एक राजा होता है, और राजा के पास तो अथा संपत्ति होती है, अथा पैसा होता है, तो वो क्या करता है, अपने लिए जो है उत्तम से उत्तम खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कर सकता है, उत्तम से उत्तम वस्त्रों को पहनने की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन उसी समय आप अगर एक पक्षी को देखें तो पक्षी का जीवन कैसा है कि वो तो सारा का सारा जीवन अपना कहाँ पर व्यतीत करता है, एक पेड़ के ऊपर रह करके व्यतीत करता है। तो वो कहता है देखिए रह करके व्यतीत करता है, लेकिन काल तो दोनों का क्या है, एक समान होगा। काल मतलब जब उसकी मृत्यु आएगी तो क्या होगी, दोनों की एक जैसी होगी, चाहे महलों के अंदर रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई जो है पेड़ों पे या झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों को शरीर छोड़ना होगा। इसीलिए सभी जीव भगवान की ही इच्छा के विषय, भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही विषयों को भोग कर सकते हैं, ऐसा कहकर के श्रीधर भक्त ने जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को समझाया। फिर क्या होता है, श्रीधर के दृढ़ निश्चय को देख करके और उसके वचनों को सुनकर के श्री हरि कहते हैं, हे श्रीधर, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसे प्रकाशित नहीं करते, उसे दिखाते नहीं। और अब मैं जान गया हूँ, अब मैं चिल्ला चिल्ला करके आसपास के सभी लोगों को बताऊंगा, ये श्रीधर तो झूठ बोलता है, ये तो जान पूछ करके निर्धन होने का जो है बहकावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। मैं सब लोगों को बताऊंगा कि इसके पास जो है कितना अमूल्य धन है, कितना जो है इसके पास अन्य कोई, और वो कहते हैं कि इतना धनवान व्यक्ति कोई और यहाँ पर नहीं है, मैं ये सबको जो है अब बताने जा रहा हूँ। इन बातों को सुनकर के श्रीधर कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो और मेरी दुकान पर आए हो, इसलिए चुपचाप खड़े रहो, वरना तो जो है अपने घर चले जाओ, मेरे साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारे साथ जो है तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तो तुम भैया जो है अपना शांत रहो बिल्कुल, और जो काम करने आए वो करके चले जाओ। तब प्रभु कहते हैं, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला मैं, ऐसे थोड़ा चला जाऊंगा, तुम मुझे बताओ पहले क्या दोगे। अब इतनी बात सुनकर के श्रीधर तो कहने लगा, तुम्हें पता नहीं चला अभी तक, इतनी देर हो गई, तुम रोज मेरे पास आते हो, तुम रोज मेरी दशा को भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान कर रहा हूँ, और इसी को ही सब्जियों को बेच करके जो है अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। तो श्रीधर कहते हैं, मैं कोई बड़ा व्यापारी तो हूँ नहीं, मैं तो जो है केले के थोड़ को बेच करके, केले का थोड़ क्या होता है, मतलब एक केले का जो पेड़ होता है उसके अंदर का भाग को केले का थोड़ कहा जाता है, और कहते हैं मोचा को बेच करके, मोचा जानते हैं आप लोग, केले के फूल पर एक लाल रंग का फूल लगता है, केले के पेड़ पर एक लाल रंग का फूल लगता है, जब केला का गुच्छा आता है ना उसके नीचे, तो उसकी भी बंगाल के अंदर बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, तो इसको जो है वो श्रीधर अक्सर बेचा करते थे। तो कहते हैं मैं क्या इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मैं तो केले के थोड़ को बेच करके या मोचा को बेच करके अपने आजीविका का निर्वहन कर रहा हूँ, और जो पैसा कमाता हूँ उससे गंगा जी की सेवा करता हूँ, और फिर अपना जो है जीवन चला लेता हूँ। इतनी बात कह देते हैं श्रीमन श्रीधर भक्त जन। फिर क्या होता है, अब श्री हरि कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे निर्धन हो, तुम कितने, तुमने तो जो आवश्यक धन है छिपा करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, श्री हरि कहते हैं श्रीधर से, तुमने तो आवश्यक धन छिपा करके रखा हुआ है। अब यो पूरी स्टोरी सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कौन सा ऐसा आवश्यक धन है जो श्रीधर भक्त ने अपने हृदय में छिपा करके रखा हुआ था। और अगर आप लोगों को किसी को गैस हो जाए, पता चल जाए, तो वो मुझे फिर लास्ट में बताइएगा।
तो क्या कहते हैं कि तुमने तो अपने जो है हृदय में बहुत ही अपार धन जो है छुपा करके रखा हुआ है, उसे मैं बाद में लूंगा, अभी तुम मुझे ये यही सामान दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा और दिन भर जो है तुम्हारी ये दुकान के बाहर बैठा रहूंगा, किसी भी ग्राहक को आने नहीं दूंगा, और जो भी तुम कमाते थे डेली वो भी तुम नहीं कमा पाओगे, ऐसा कह करके। और ठाकुर जी ने तो अपना डेरा वहीं जमा लिया। अब श्रीधर सोच रहे हैं, क्या भक्त सोच रहे हैं कि क्या करूं भैया, मुझे तो पीछा छुड़ाने के लिए इससे कुछ न कुछ जो है कहना ही पड़ेगा, अब मतलब इसकी तो कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तब श्रीधर सोचने लगे, ये बालक तो बड़ा ही चंचल है और बहुत हटी भी है, लगता है ये ऐसे मानने वाला नहीं है, और जब तक ये यहाँ से कुछ नहीं ले लेगा मेरे से, तब तक ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और कहते हैं, अरे अब मैं इसे दे तो दूं, लेकिन देने के बाद एक और दिक्कत है, अब ये सामान ले लेगा, पैसा मुझे कुछ देगा नहीं, मैं तो पहले से गरीब हूँ और अपना जीवन कैसे चलाऊंगा, बिल्कुल भी कुछ पैसा नहीं होगा। फिर वो दूसरे मन क्या सोचते हैं अंदर से, एक तरीके से वैसे शायद अच्छा भी है, मुझे लगता है कि ये मेरा शायद सत्सौभाग्य ही उदय हो रहा है कि जो एक ये, क्योंकि ये तो ब्राह्मण का बालक है और मैंने तो शास्त्रों का अध्ययन किया या किसी से सुना था कि ब्राह्मण की जो है सेवा करनी चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये मेरा सत्सौभाग्य ही उदय हो रहा है कि ये रोज आ जाता है और बिना मूल्य के ही जो है मेरी पास जो भी सामग्री है उसको लेकर के चला जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है। इसी अब प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सब्जियां अच्छी देना, कभी जो गली सड़ी हो या कल वाली बची हो तो मुझे वो पकड़ा दो अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा मत करना। तो श्रीधर कहते ठाकुर जी उनसे कहते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, अच्छा अच्छा श्रीधर चलो तुम ये बात तो छोड़ो, ये बताओ मैं कौन हूँ। तो श्रीधर कहता है, कौन हूँ, अरे ये कैसा सवाल कर रहे हो, सब जानते हैं तुम तो एक ब्राह्मण हो। तो श्रीधर ने तो कह दिया कि तुम तो एक ब्राह्मण हो। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुमने मेरा अभी असली स्वरूप जाना ही नहीं, तुमने मुझे वास्तव रूप में जो मेरा है उसे पहचाना ही नहीं। यह सुनकर के श्रीधर हंसने लगा और फिर प्रभु कहते हैं, मैं तो एक गोप हूँ और यह फिर क्या कहते हैं, क्योंकि माया ने तुम्हारे ऊपर जो है ना पर्दा डाल रखा है, इसलिए तुम अभी मेरी लीलाओं को जो है समझ नहीं पा रहे, मेरे वास्तविक रूप को जो है पहचान नहीं पा रहे हो। तो श्रीधर को जो है हंसता हुआ देख करके श्री हरि कहते हैं, जिस गंगा की तू बात कर रहा है ना, जिस गंगा की तू कहता है कि मैं पूजा करूंगा और अपने जीवन को व्यापन कर लूंगा, वो गंगा मेरी स्वयं दासी है, मेरे चरणों की दासी है। तो इतनी बात जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कही और श्रीधर तो खिलखिला करके हंसने लगे, अरे ये बालक कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, ये कुछ मूड है क्या, कुछ इसको पता नहीं है क्या। तो कह रहे हैं, अरे बालक तुझे जरा भी भय नहीं है क्या गंगा जी का, तो मैंने तो सुना था कि जैसे जैसे बालक बड़े होते चले जाते हैं उनको समझ आनी शुरू हो जाती है, लेकिन तू तो और उल्टा जो है चंचल होता जा रहा है, नटखट होता जा रहा है जैसे जैसे तेरी आयु आगे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार जो है नित्य प्रति अपने भक्त पर श्रीधर ने श्रीधर से श्रीमन महाप्रभु जी जो सब्जी लेकर के आते थे उसको बड़े चाव से ग्रहण करते थे। कहते हैं, भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटिया ना जाए। इसका अर्थ क्या है कि भक्तों की दी हुई वस्तु को, या भक्त जब भी वस्तु भी नहीं देंगे तो उसको भगवान छीन छीन करके खा लेंगे, और अब भक्तों के द्वारा दिए गए 56 भोग को भी प्रभु ताकते भी नहीं है, झांकते भी नहीं है। इस तरीके से ये जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर पर कृपा करी और उनके सब्जियों को ही उनको भोग मान करके रोज प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। वांछा पतिता नाम साधारण लोग का जो भावना है, क्या भावना है, अरे जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको दिखाई पड़ता है दुखी रहते हैं, लेकिन जो दूसरे देवादेव को पूजा करते हैं उनको तो दिखाई पड़ता है बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े खुश होकर रहते हैं। अभी उन्होंने जो प्रश्न किया है ना, कुछ कुछ लोगों के अंदर ये सब प्रश्न आता है, देवादेव को पूजा करने पर बड़े धन दौलत में रहते हैं, और जो भगवान नारायण और विष्णु कृष्ण को उपासना करते हैं राम को, वो तो बड़े दरिद्र रहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया की शिक्षा है। श्रीराम सुदामा जी का नाम सुने हो जी? कौन कौन सुदामा जी का नाम सुने जानते हैं? लेकिन हम कहते हैं गरीब सुदामा, कहते ना क्या भजन किया है, अरे द्वार पालो कन्या से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, लेकिन उनको कहते गरीब, लेकिन उसका नाम क्या है, सुदामा। सुदामा मतलब क्या, सु मतलब बढ़िया और दाम मतलब पैसा, चमड़ी दमड़ी कहते हैं ना, चमड़ी दमड़ी, लेकिन नाम है सुदामा, मतलब जिसको पास में बढ़िया पैसा है। देखो इनका नाम क्या, श्रीधर,
क्या नाम है? श्रीधर। लेकिन क्या दिखाई पड़ता है? गरीब है। साधारण केले को बेच करके और उसका फूल पत्ते को बेच करके जीविका ऊपर से। लेकिन नाम क्या है? श्रीधर। श्री मतलब लक्ष्मी, धर मतलब हृदय में जो लक्ष्मी को जो हर समय बैठा कर रखा है, जिसको पास में खूब लक्ष्मी है दोनों को। लेकिन ये दोनों को ऊपर से देखो ना गरीब है, ऊपर से देखो गरीब है, लेकिन देखो सुदामा का नाम भागवत में लिखा हुआ है ना। कृष्ण जिसका मित्र है, कृष्ण जिसका मित्र है। सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया भगवान ने उसको दो मुट्ठी खा करके। हाँ देखो फिर क्या क्यों दिखाई पड़ता है? भक्त लोग गरीब, ये चीज को अच्छा तरह समझो। कहते जो भगवान है सत्व रज तम, ये तीन गुण है, सत्व रज और तम ये तीन गुण है। लेकिन उसके ऊपर जो गुण ये निर्गुण, इसलिए जो ब्रह्मा शंकर ये सत्व रज के गुण गए, इसलिए इनको भक्ति करने से जगत का वस्तु थोड़ी बहुत मिल जाती है। जैसे रावण को मिल गया, रावण का नाम सुने कि नहीं? रावण को भी मिला था है, इसलिए लंकापति रावण है, सोने का लंका जिसको मिला, लेकिन सब खत्म हो गया। क्या दूसरे दूसरे वित्रासुर है, दूसरे दूसरे राक्षस को भी बोल देखो, उनको भी संपत्ति मिली लेकिन सब खत्म हो गया। लेकिन सुदामा जी का नाम देखो चिरकाल के लिए अमर हो गया। लेकिन भगवान उनको निर्गुण मतलब तीनों गुण से भगवान अतीत, इसलिए भगवान उनको वो प्रेम भक्ति देना चाहते हैं, उनको भक्ति देना चाहते हैं, ये दुनिया की वस्तु दे करके उनको भुलाना नहीं चाहते। और अक्सर करके श्री माता कुंती वो क्या कहती है, बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा। कौन भजन नहीं करेगा? चार तरह का व्यक्ति भजन, बोले कौन? बोले जन्म, जिसको उच्च कुल में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य ज्यादा पैसा हो जाए, श्री जिसको थोड़ा सुंदर रूप हो जाए, जन्म अश्रुत जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाए, बड़ा अभिमान है, बड़े अभिमान आ जाती, भजन नहीं करते हैं। इसलिए बोले दीन अधिक दया करें भगवान, किसको पर कृपा करते हैं? दीन ही इनको पास में। अगर किसको पास में पैसा है फिर भजन कर रहा है। भागवत में देखो अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, फिर तो दिखाई पड़ता है बड़े बड़े महाराज, ये तो दिखाई पड़ता है बड़े बड़े राजा महाराज, जितने भगवान के भक्तों को देखो, युधिष्ठिर महाराज सम्राट है, बड़े बड़े महाराज, पर इन लोगों ने कैसे भजन किया? कहते भगवान यहाँ पर कहते देखो, कहते कहते ना भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, जब देते हैं छप्पर फाड़ कर, लेकिन पहले पहले नहीं देते। बोले क्यों नहीं देते? कहते ये विषय में कहीं फंस नहीं जाए, ये विषय पाकर मेरे को भूल नहीं जाए, इसलिए ठाकुर जी कभी कभी जानबूझ कर उसको पहले नहीं देते हैं। लेकिन देते हैं, कब देते हैं? जब देखते हैं इसको हजम कर पाएगा। जैसे उदाहरण दिया, आपके दो बेटे हैं, आपके दो बेटे, लेकिन एक बेटे का पेट पतला है और एक बेटे का पेट बढ़िया है। अब मैया क्या करती है ना, जिस बेटा का पेट पतला है ना पतली पतली खिचड़ी बना करके रख देती है, और जिस बेटा का पेट बढ़िया उसको लड्डू कचौड़ी और बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाती है। बोले क्यों? बोले हजम कर पाएगा। लेकिन जिसका पेट पतला है ना उसको क्या करते, पतला पतला खिचड़ी देती है। अगर आप बोलोगे भैया एक ही मैया दोनों क्यों दे, बोले नहीं दोनों को जो जरूरत हो वही दे रही है। कि हमारी पिता माता कौन है? भगवान। कहते ना तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें, वो हमारी पिता माता है। इसलिए वो जब देते हैं ना छप्पर फाड़ कर देंगे, जैसे सुदामा को दिया है, अपना भक्तों को जब दिया एकदम छप्पर फाड़ करके भगवान दिए हैं, हैं ध्रुव जी को जब दिया छप्पर फाड़ करके दिया, लेकिन जब देखते ही हजम नहीं कर पाएगा ना भगवान, फिर नहीं देते। बोल अभी तो हजम नहीं कर पाओगे, जब हजम कर पाओगे तेरे को फिर छप्पर फाड़ कर दूंगा। इसलिए हमें ये विश्वास नहीं रखनी चाहिए, हर भगवान की भक्ति करने से गरीब रहना पड़ेगा। जो दूसरे दूसरे देवादेव को नहीं, ऐसी मत सोचो। और दूसरी बात, उनका नाम श्रीधर है, उनका नाम श्रीधर मतलब हृदय में सुदामा, जो प्रेम भक्ति को जो हृदय में धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम सुदामा, उनका नाम श्रीधर। इसलिए ये चीज़ें हमारी अंदर में शंका नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए खूब विश्वास करके भगवान की खूब भजन करो और भगवान की खूब भक्ति करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ।
तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं यथा योग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी गुरुदेव ने श्रीधर का अर्थ बताया बहुत सुंदर। एक श्रीधर का अर्थ इनकी कृपा से मैं भी बता दूं जो हरिनाम व्याकरण से ही मैंने सीखा है। श्रीधरः श्रिये श्रुणाति इति श्री श्रावयति इति श्री श्रुणोति आश्रित दुःख जन इति श्री श्रुणाति ही श्री कृष्ण कथायां तस्य श्री सहिते श्री कृष्ण सहिते तिष्ठति यह स श्रीधरः और धार्यति यह स श्रीधरः। हमारे गुरुदेव का नाम भी पूज्यपाद श्री श्रीधर महाराज जी हैं जिन्होंने श्री राधा गोविंद को अपने हृदय में धारण कर रखा वही श्रीधर हैं। इस कारण से हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री रूप शिक्षा की तो वही प्यार ही अभी उस पे गुरुदेव ने कहा एक बार फिर से इस पे चर्चा। तो आज गुरुदेव ने ही पढ़ाया है मुझको तो वैसे तो यही रोज पढ़ाते हैं और तो वही प्यार ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान ऐसा जीव है जो गुरुदेव का प्रसाद और श्री कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर भक्ति लता बीज उसको भक्ति लता बीज प्राप्त होता है इनकी कृपा से। देखिए प्रहलाद जी कहते हैं संसार चक्र कदनात ग्रसितां प्रणीतः। भगवान नृसिंह ने पूछा प्रहलाद तुझको डर नहीं लगता मेरी गोदी में बैठा है मेरी दाढ़ी को तू बार बार पकड़ रहा है तुझे डर नहीं लग रहा। तो कहता है प्रभु आपसे क्या डरना आप तो कोमल हो आपका हृदय तो कोमल है मैं डरता हूं तो इस संसार से संसार चक्र कदनात ग्रसितां प्रणीतः क्योंकि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। भैया इस खतरनाक संसार ऐसे ऐसे भयंकर दावानल संसार जो है इसमें कोई कोई भाग्यवान जीव होता है इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। अच्छा वो भाग्यवान जीव कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भाग्यवान जीव कौन जिसकी सुकृति उदय हो गई। अच्छा एक सुकृति होती है एक पुण्य होता है पुण्य और सुकृति में क्या भेद होता है। पुण्य और पाप तो क्षीण हो जाते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति लेकिन सुकृति जो होती है वो क्षीण नहीं होती। और सुकृति कैसे उदय होती है तो प्रभुपाद जी कहते हैं सुकृति कैसे उदय होती है सुकृति उदय होती है सेवा से। आप लोगों ने देखा होगा कोई नया नया व्यक्ति मठ में आता है तो गुरुजी उसको देखते हैं तो एक आधी सेवा में ऐसे लगा देते हैं तो फिर कहते हैं ना अरे इसकी सुकृति उदय होगी यानी सुकृति उदय होगी इसकी तो इस कारण से उसको सेवा में लगा देते हैं तो इसलिए सुकृति नष्ट नहीं होती। सुकृति की जब सुकृति उसकी हो जाएगी तब उसके बाद उसका फल क्या होगा बोले श्रवण। श्री भगवान की दिव्य चर्चा में अनुराग उसका श्रवण यही सुकृति का फल है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान की कथा में अनुराग अरे भगवान की कथा ऐसे नहीं है कि लो भंडारा बट रहा है तो चलो मिल गई भंडारा बट रहा है चलो मिल गई ऐसा नहीं है। हमारे देखिए भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। जब श्री राधा रानी श्री गोविंद के विरह में चलती हैं और श्री गोविंद को ढूंढती हैं तो श्री कृष्ण आगे जाते हैं कभी श्री राधा रानी श्री गोविंद को ढूंढती है कभी श्री गोविंद राधा रानी को ढूंढते हैं। तो जब श्री राधा रानी श्री गोविंद को ढूंढती हैं कि प्रियतम कहाँ चले गए प्रियतम कहाँ चले गए तो जैसे ही राधा रानी ढूंढती है अरे जैसे एक मेले में खोया हुआ बच्चा उसकी माँ उस बच्चे को ढूंढ रही है कि मेरा बालक कहाँ है मेरा बालक कहाँ है। तो मान लो कोई भिखारी आगे आ गया और चरणों में पड़ गया मैया कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे अरे तू हट जा आगे से मेरा बालक खो गया है मुझको उसको ढूंढना है तू हट जा। ऐसे ही जब वो पीछे पड़ जाता है तो यदि हाथ में 1000 का भी नोट हुआ आजकल तो नहीं है 2 का है और 2000 का भी नोट हुआ तो दे देते हैं कि ये ले पकड़ और यहां से चला जा मेरा बालक खो गया है मेरे बालक को ढूंढने जाना है। ऐसे ही जब श्री राधा रानी श्री गोविंद को ढूंढने के लिए चलती है तो ये संत चरणों में पड़ जाते हैं कृष्ण प्रेम
जाना है। तो जैसे ही कहते हैं कि नहीं हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो राधा रानी उस मूल्य की मूल्य के बदले में हरि कथा ही उन संतों को दे देती है। ये राधा रानी, ये है हरि कथा कैसे प्राप्त होती है। इस कारण से हरि कथा ऐसे नहीं, इसलिए सुकृति का जो फल है वह श्रवण है। सुकृति का फल श्रवण है। हमारी कईयों की तो भैया, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है, कईयों की तो सुकृति उदय नहीं होती। आज हम लोग यहाँ पे इस पंडा, आज हम लोग इस हॉल में बैठे हम भगवान की नंदी महाराज का कितना रोज सवेरे करते। देखो एक समय कोई राजा था, तो रोज आकर के भगवान का दरबार में झाड़ू को पोछा लगा देता। एक व्यक्ति ने देखा भैया देश का राजा होकर के भगवान की नंदी में ये झाड़ू पोछा क्यों लगा, झाड़ू पोछा क्यों लगा रहा है। तब उन्होंने पूछा भैया तू राजा होकर इतने नौकर चाकर लगे हुए तो ये मंदिर में झाड़ू पोछा क्यों लगा दो, देखो क्या कहता है। पूर्व जन्म की बात याद है, बोले क्या याद है। पूर्व जन्म में एक बदमाश था, एक पैसा को मैंने ले करके गलत काम करने के लिए जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचा देखा वहां पर जो मंदिर है, लेकिन वो जो मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर था, लेकिन चूंकि वो मंदिर था पुरानी और वो पैसा को साथ में गलत काम करने के लिए वो मंदिर को मैंने साफ सुथरा करके उसके साथ में गलत काम किया। लेकिन भगवान इतने दयालु इतने कृपालु, कद पुनः अवगुण प्रभु, देखो भगवान कभी जीव का अवगुण का प्रति नजर नहीं देते। मैंने जो वो नंदी के साफ करके गलत काम किया, ठाकुर अच्छी चीज को देख करके इतना केवल मंदिर साफ किया, ठाकुर जी मेरे को राजा जन्म दे दिया। अगर किसी जीवन का अगर रोज में भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, पता नहीं ठाकुर हमें अगली जीवन में क्या नहीं देंगे। इसलिए भगवान मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने का बड़ा महत्व है। आपको मैं सही बता रहा हूँ, जनकपुर दिल्ली मठ में एक लोग बहुत गरीब था, बहुत गरीब, कोई कमाई कमाई कुछ नहीं, लेकिन वो रोज मंगला आरती गाता था और उसको बाद रोज मंदिर लगा था, झाड़ू लगा था। जानते हो क्या हो गया, इतने धनी मानी बन गए, तो सोच नहीं सकते हो बेटे को कहाँ पूछे नौकरी लग गई गई और उसको पता नहीं वो कंट्रैक्ट का काम करता था, ये इतना पैसा आने लगा तो सोच नहीं सकते हो। केवल आकर के मंदिर के दरबार पोछा लगाता था, बड़ी बात तो है भगवान मंदिर में भैया अगर झाड़ू पोछा लगाए तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि हाथों का कभी साथ करता है हम पर हमारा क्या कहते थे, बोले और वो हरी मंदिर मार के ना दीजो कहा विश्व का राजा होकर गाता है महाराज अपना हाथों से मंदिर झाड़ू लगाते। इसलिए भगवान दरबार में झाड़ू लगाना कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात। इसीलिए श्री राधा रानी की कृपा से ही, श्री गुरुदेव की कृपा से ही कथा मिलती है। इति गोप्य प्रगायन्त्या प्रणपन्त्यश्च चित्रधाम रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभ्य गुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्य रघुवी साक्षा नमन्मथ मन्मथ। इस कारण से गुरुदेव की ही कृपा से। अच्छा अब हो गया, उसके बाद आता है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। पहले गुरु प्रसाद सुन लीजिए, गुरु प्रसाद क्या है। देखिए गुरु प्रसाद और कृष्ण प्रसाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे, आपने साइंस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन हीमोग्लोबिन में भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन मतलब बैलेंस, दोनों बैलेंस। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरुदेव की कृपा और कृष्ण, ये दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। कैसे, गुरु भगवान प्रेरणा करते हैं किसी महंत गुरु को, तब जाकर के वो जीव को दीक्षा और शिक्षा प्रदान करता है, तब जाकर के उसको भगवान का नाम प्रस्तुत होता है। जैसे जैसे नारद जी मिले थे ना ध्रुव जी को, मिल गए नारद मुनि मग में, पड़ा ध्रुव मुनि वर के पग में, गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें, अरे ऐसो मंत्र दियो कानन में, मिल गए श्री भगवान पायो, अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। इस कारण से नारद जी ने क्या किया, भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया कि भगवान मिल गए। और गुरु कृपा गुरु प्रसाद यही है, गुरु कृष्ण प्रसाद है। और कृष्ण प्रसाद क्या है, कृष्ण प्रसाद यही है कि कृष्ण की ही प्रेरणा से गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं। यही है भैया, भगवान में सामर्थ्य नहीं है कि संतों के बिना सारे काम करा दे, भगवान में है ही नहीं सामर्थ्य ऐसा। क्योंकि और इसलिए भगवान से बड़े हैं संत, सच्ची
पूछा एक बार सभा लगी, सारे के सारे महर्षि अगस्त गए। महर्षि अगस्त ने कहा यार विचार तो करो कौन बड़ा है कौन बड़ा है। कोई बोला पृथ्वी बड़ी है, कोई बोला शेष बड़ा है। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर के गले में क्या है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। नागेंद्र, नागेंद्र शेष, इस कारण से शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा, और रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों पड़ा, और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के हाथ से क्यों पड़ा, अरे राम कहे मैं बड़ा तो संतों के हृदय में क्यों पड़ा। संतों के हृदय में क्यों है भगवान, क्यों है संतों के हृदय में, क्योंकि संत बड़े हैं। इसीलिए कवि जन करत विचार कौन बड़ो काहे कही जे, अवनी कहे मैं बड़ी शेष सिर शोभा दीजे, शेष कहे मैं बड़ो शंकर गले शोभित हुई है, शिव कहे मैं बड़ो कैलाश स्थित शोभा पई है। इस कारण से इसीलिए कौन बड़ा संत बड़े भगवान में, तो भगवान बिना संत संत की सहायता से जीव को कैसे लेकर के आए। बोले मैं बड़ा तो बोले नाम के पीछे क्यों पड़ा। हाँ, संत बोले मैं बड़ा तो नाम के पीछे क्यों पड़ा। तो इस कारण से इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव की कृपा से ही भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। अच्छा एक और बात, हमारे पूज्यवर भक्ति कुमुद संत गोस्वामी जी महाराज जी एक बात कहते थे। क्या कहते थे, वो कहते थे कि जैसे कोई ग्वाला है और वो ग्वाला क्या करता है, वो ग्वाला क्या करता है जब गाय का दूध निकालता है तो बीच में गाय दूध देना बंद कर देती है, तो ग्वाला क्या करता है गाय के पीछे एक थपकी लगाता है, पुनः दूध की धारा उसके स्तनों से प्रवाहित हो जाती है। ऐसे ही जब श्री सद्गुरुदेव कृपा करके अब प्रवचन कर रहे होते हैं, हरी कथा सुना रहे होते हैं, तो तुम एक काम करो अपने कान को ही गैया बना लो, यदि तुम्हारे कान कभी इधर उधर चले गए तो संत के मुखारविंद से ऐसी थपकी लगेगी कि कृष्ण प्रेम की नदी फूट पड़ेगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए और भक्ति लता बीज, ये बीज क्या है, गुरुदेव कहते हैं ये बीज कृष्ण प्रेम अथवा भगवान का नाम है, बीज ही भगवान का नाम है। एक कृष्ण नाम जीवेरो जोतो पाप होरे, जीवेरो साध्य नाई तो पाप कोरीते पारे, परे ये न कृष्ण नाम जीवेरो लोए बहु बार, तो थापि यदि ना बोहे अश्रुधार, ता होइला जानिवे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र नाम होय अंकुर, कृष्ण नाम ही बीज है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल पतरु वश्य के पास में बीज है पतिता नाम है। हरे कृष्ण, आज हमारे लिए प्रतिदिन बोलते हैं ठीक है, जो पढ़ना चाहते हो हाँ ठीक है, कल आज बहुत समय हो गया है और आम ही बनाया ना, क्या बनाया, आम ही पन्ना बनाए, आम पन्ना बनाए सबके सब पी करके सबके लोग जाना ठीक है। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम
के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, देखो जो लोग चाहते हो श्लोक याद करने करना चाहते हो, आप लोग एक कापी ले जाना जो चाहते हो, ठीक है। तो